खबर अजमेर के केकड़ी से है, जहां देवली रोड पर निर्माणाधीन यात्री प्रतीक्षालय की छत गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई, तो वहीं तीन मजदूर घायल हो गए, जिसके बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी सावर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री रघु शर्मा ने मृतक और घायल मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही राज्य सरकार की ओर से राहत दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं मंत्री शर्मा ने यात्री प्रतीक्षालय के निर्माण में घटिया सामग्री की बात सामने आने के बाद ठेकेदार सहित पीडब्ल्यूडी महकमे के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी के एईएन को एपीओ कर दिया गया, तो वहीं जेईएन को निलंबित भी कर दिया गया। इसके अलावा ठेकेदार के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। इस मौके पर युवा नेता सागर शर्मा, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत सहित कई लोग मौजूद रहे।